Hello everyone, how are you today? Welcome to my class, Patsariya Chemistry Classes Gwalior. In this special class, I will discuss about properties of ionic compound in very easiest way. Duration of this class is about 20 minutes. This topic is very important, so it is going to be helpful for students preparing for JEE and NEET exam. This class will be covered in Hindi and notes will be provided in English. Yani board work, written work jo hai wo aapko English mein provide kiya jayega. To chaliye aaj ke video mein hum kya padhne ja rahe hain? Ionic properties. Sabse pehle main yahan par likh dun aapka topic ye chemical bonding se liya gaya hai aur aaj ka lecture number 11 hai aur isme hum padhenge properties of ionic compound. सिंपल टॉपिक है आज का. इसके पहले वाले वीडियोस थोड़े टेक्निकल थे, लेकिन इसमें आपको सिंपली कुछ पॉइंट्स याद करना है जो कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बस इन टॉपिक्स में जो भी मैं चीज बताऊंगा उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज ही आपको इसमें पढ़ना है और इसका डिस्क्रिप्शन जो है ज्यादा हार्ड नहीं है. तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को हम कुछ पॉइंट्स के द्वारा. सबसे पहली प्रॉपर्टी है नंबर वन, क्रिस्टलाइन नेचर. सबसे पहली प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड्स की है, इनका नेचर होता है वो क्रिस्टलाइन होता है, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं. इसको आप लिख लीजिए आयोनिक कंपाउंड आर क्रिस्टलाइन इन नेचर एट रूम टेम्परेचर. तो आयोनिक कंपाउंड की सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि रूम टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, और क्रिस्टलाइन नेचर आप अच्छे से जानते हैं कि इनमें आयंस का जो अरेंजमेंट होता है वो डेफिनेट होता है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? क्रिस्टलाइन इन नेचर. तो आपको अगर ये लैंग्वेज याद नहीं रखना है तो आप इन पॉइंट्स को याद रख सकते हो, क्रिस्टलाइन नेचर. सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए नंबर टू, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. इस प्रॉपर्टी को जानिए. जो क्रिस्टलाइन कंपाउंड होते हैं, आयोनिक कंपाउंड होते हैं, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं. तो आप इसको लिख सकते हैं आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स आयनिक कंपाउंड्स के बहुत ज्यादा होते हैं. इसका मतलब यह है कि इनके आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रांग होता है,
बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होते हैं। पॉइंट नंबर थ्री देखिएगा, नंबर थ्री, पॉइंट नंबर थ्री, हार्ड एंड ब्रिटल, यानी जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। इनको हिंदी में भंगुर बोलते हैं, कठोर और भंगुर होते हैं। ये नेचर को आपको देखना है, इसे आपको तैयार करना है। तो लिखिएगा आयोनिक कंपाउंड आर हार्ड एंड ब्रिटल। तो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं और ब्रिटल होते हैं, यानी भंगुर होते हैं। जैसे नमक आपने सुना हुआ है NaCl, तो इसके जो क्रिस्टल्स आते हैं बड़े बड़े, अगर इनको थोड़ा सा इसको प्रेस करें, इनको इस पर कुछ चोट मारे या इसको जमीन में गिराएं, तो ये अलग अलग एटम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं ब्रिटल। जैसे चौक को अगर हम दबाएंगे तो क्या होगा, ये अपने मॉलिक्यूल्स में या एटम्स में या आयंस में जिससे ये बनी हुई है उसमें ये अलग अलग हो जाती है, इसी को बोला जाता है ब्रिटल। साथ में हार्ड भी होते हैं, हार्ड एंड ब्रिटल। ये पॉइंट नंबर आपका थ्री है। फोर्थ नंबर का पॉइंट देखिएगा, नंबर फोर, सॉल्युबिलिटी। इसकी सॉल्युबिलिटी कैसी होती है आयनिक कंपाउंड्स की, तो इसको अपन जानेंगे आयोनिक कंपाउंड, शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको कंपाउंड्स, एस लगा देता हूं डायरेक्ट। आयोनिक कंपाउंड्स आर fairly soluble, fairly soluble in water and polar solvents. तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका मेन नेचर क्या है कि ये वाटर के अंदर, जो वाटर भी पोलर है और इसके अलावा जितने पोलर सॉल्वेंट होते हैं इनमें ये आसानी से डिजॉल्व हो जाता है। उसका एक रीजन है कि जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत ज्यादा होता है, तो इसी वजह से ये आसानी से अपने आयंस को ब्रेक करके वाटर के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो जाता है। तो इसका मेन रीजन क्या याद रखना है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का अधिक होना सॉल्वेंट का। यहाँ पर मैंने हार्ड और ब्रिटल की बात बताई, ये क्रिस्टलाइन नेचर जैसा ही है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का रीजन है। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो स्ट्रांग होता है। तो ये नंबर फोर को तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट नंबर है नंबर फाइव, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि इसमें करंट फ्लो होगा या नहीं होगा। तो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो सॉल्युबल कंडीशन में, यानी एक्वस सॉल्यूशन अगर इसका लिया जाए या इसको फ्यूज्ड स्टेट में लिया जाए, मोल्टन स्टेट में इसको लिया जाए, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन अगर सॉलिड स्टेट में इनको रखा जाए तो आयंस का फ्री टू मूव ना होना ये बैड कंडक्टर को दर्शाता है। तो दोनों कंडीशन हुई, मेन कंडीशन क्या होगी, आयोनिक कंपाउंड्स आर
electricity in aqueous solution or fused state. तो ये गुड कंडक्टर किसकी वजह से होते हैं कि अगर इनको सॉल्युबल करें, अगर वाटर में डिजॉल्व करें तो इसके आयंस फ्री हो जाते हैं और फ्री आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है. तो इसे हम कह सकते हैं आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट. इसको भी साथ में याद रखना है. फिफ्थ नंबर का पॉइंट होता है आपका कंडक्टिविटी. नेक्स्ट पॉइंट आप देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 6. आयनिक रिएक्शन, आयोनिक रिएक्शन. तो आयनिक कंपाउंड है तो आयोनिक रिएक्शन तो देंगे ही, लेकिन इनकी जो आयोनिक रिएक्शन होती है वो कैसी होती है? फास्ट होती है, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसी की वजह से इनकी जो रिएक्शंस होती हैं वो फास्ट होती हैं. तो फास्ट रिएक्शन होने का रीजन क्या है? फ्री टू मूव आयंस. तो देखिए आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड गिव फास्ट आयोनिक रिएक्शन. बस ये कैसी रिएक्शन देते हैं? फास्ट आयोनिक रिएक्शन देते हैं. नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा नंबर 7. 7 नंबर का पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इसको मैं बता रहा हूं आपको, नॉन डायरेक्शनल नेचर, नॉन डायरेक्शनल नेचर. ये नॉन डायरेक्शनल नेचर क्या है जो आयनिक कंपाउंड में पाया जाता है, मैं बता रहा हूं अभी. इसमें लिख दीजिए इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस आर नॉन डायरेक्शनल. ये नॉन डायरेक्शनल का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एक ही दिशा में नहीं होता है बल्कि थ्री डायमेंशनल होता है. यानी अट्रैक्शन जैसे एक आयन है, उस एक आयन के चारों तरफ बहुत सारे आयन्स होते हैं, यानी पॉजिटिव के चारों तरफ नेगेटिव आयन्स और नेगेटिव आयन्स के चारों तरफ पॉजिटिव आयन्स. तो एक एटम यानी एक आयन बहुत सारे नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करता है या एक नेगेटिव आयन बहुत सारे पॉजिटिव आयन्स को अलग अलग दिशा में अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इसी को बोला जाता है नॉन डायरेक्शनल नेचर, यानी किसी एक दिशा में अट्रैक्शन न होना. ऑल डायरेक्शंस में अट्रैक्शन होने को ही बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल इन नेचर. तो ये इसका सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है नॉन डायरेक्शनल नेचर. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसका आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर 8. स्टीरियो आइसोमेरिज. इसका पॉइंट का मतलब है ये आइसोमेरिज रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं करते हैं, तो इसका नॉन डायरेक्शनल नेचर ही ये बता
कि ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो आप लिख सकते हो आयोनिक कंपाउंड डू नॉट शो स्टीरियो आइसोमेरिज, इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज नहीं पाई जाती है, इसमें आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर ये नहीं पाई जाती, क्योंकि इनका जो नेचर होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। तो आपको ये एक पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि ये किस तरीके से आयोनिक प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करते हैं आयोनिक कंपाउंड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। इसमें एक आध प्रॉपर्टी में और जोड़ सकता हूं, तो पहले देख लीजिए, सबसे पहले क्रिस्टलाइन इन नेचर, दूसरा इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं, ये हार्ड और ब्रिटल होते हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी पोलर सॉल्वेंट में होती है, नॉन पोलर में ये नहीं घुलते हैं, कंडक्टिविटी सॉलिड स्टेट में ये बैड कंडक्टर होते हैं और लिक्विड स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आयनिक रिएक्शन देते हैं, लेकिन फास्ट आयनिक रिएक्शन देते हैं, क्योंकि इसमें सॉल्यूशंस के अंदर फ्री स्टेट में आयंस पाए जाते हैं। नॉन डायरेक्शनल नेचर का मतलब होता है कि इसके जो आयंस होते हैं, जो दूसरे आयंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, वो थ्री डायमेंशनल कंडीशन में करते हैं, हर दिशा में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए बोला जाता है नॉन डायरेक्शनल नेचर, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल डायरेक्शंस में होता है, इसे बोला जाता है नॉन डायरेक्शनल नेचर। और उसके बाद होती है इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो स्टीरियो आइसोमेरिज रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये एट पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको केवल समझना है, इनको याद रखना है, इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो तैयार कर लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, इसके पहले वाले पार्ट्स को आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैं सिस्टमेटिक केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज आपको दे रहा हूं। ये आपका ये नोट्स हैं जो आपको इंग्लिश में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं वो हिंदी में बोल रहा हूं, इसलिए दोनों स्टूडेंट को इसमें फायदा हो सकता है। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।